देखो मुसेज कहीं है अभी भाई, अभी जो एक 15 दिन का जो एक मामला चलेगा, क्योंकि 3 कानून वापसी हो गए सबको पता, 3 काले कानून वापसी हुई है। अभी सरकार 10-15 दिन का इनका गेम चलेगा पूरा, ये कह रहे कि कानून वापसी हो गया, अब आप यहां क्यों हो, ये क्वेश्चन आपसे सबसे पूछा जाएगा। क्योंकि जब प्रेस के लोग भी है ना, इनकी भी क्लास एक ही क्लास के पढ़े पढ़ाए आ रहे सारे, नुक्ते का भी हेर फेर नहीं, नुक्ता भी हेर फेर नहीं, क्वेश्चन में ही है। क्योंकि इतने कैमरा और कलम पे इतना जबरदस्त पहरा है, ये यतिंगा चल नहीं सकते, क्वेश्चन में ही होंगे। तो भाई कोई बात नहीं, अभी जैसे ही ये 3 कानून हाउस में पास हो जाएंगे और हाउस इनको निरस्त कर देगा, तो फिर अगले दिन का क्वेश्चन ये रहेगा कि 3 काले कानून वापसी हो गए, अब किसान घर वापसी नहीं जा रहे, हमने जो डिमांड थी किसानों की पूरी कर दी, ये सरकार एक बयान जारी करेगी। अब ध्यान से आप कुटुंबों से क्या क्या क्वेश्चन जो पूछेंगे आपको दे रहे हैं जनता को, एक तो जनता से अपील है कि जनता ने के बहकावे में बतावे भाई, ये काले कानून और कोरोना दोनों एक बीमारी थी, काले कानून और कोरोना दोनों 2020-19 में आई, एक ही तरह की बीमारी थी और पूरा देश किसान सब लोग ने इसका डट के मुकाबला करा, कोरोना को भी लगाया, अपने कानून को भी लगाया। इसका मतलब कानून हमारी प्राइड तय नहीं थी, कानून तो एक बीमारी थी, बड़ी भयंकर बीमारी थी। पहले भी हमारे मुद्दे थे, MSP का इशू था, हमारे फसलों के रेट के सवाल थे, हमारे बैंकिंग का सवाल थे, हमारे खाद के सवाल थे, हमारे KCC के सवाल थे, वे सवाल तो खड़े हुए हैं। हम तो इन 3 कानूनों ने 1.5 साल लेट करे हैं भाई, जो आंदोलन उनको होता तो कम से कम आंदोलन उनको होता तो भाव भी बढ़ता, 1.5 साल हमको नुकसान करा है, 1.5 साल तो हमको पीछे ले गए ये कानून। ये है कि हमारा जो MSP है, MSP 2011 में जब प्रधानमंत्री जॉब है, ये गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और उस कानून जो थे ये MSP, इसमें इन्होंने PhD करी, इसके वकील थे, एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी में ये अध्यक्ष थे, करीब कई मुख्यमंत्रियों की फाइनेंशियल कमेटी थी, वो उसमें अपनी रिपोर्ट इन्होंने ये दी थी कि 3 काले कानून खराब है, नहीं MSP पे गारंटी कानून बनना चाहिए, वो रिपोर्ट उस टाइम की भारत सरकार को दी थी। अपनी PhD का इस्तेमाल करते हुए और उस वकालतनामे का इस्तेमाल करते हुए आज प्रधानमंत्री है, इनकी अदालत में भाई केस है, तो किसी गवाही की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि पढ़े पढ़ाए हैं तो सारे कार कमेटीज में 11 साल से पढ़ रही है, उस पर अपना फैसला सुना दे। ये 750 किसान शहीद हुए हैं भाई, युद्ध हमारे घर पर आठ कनाडा, उसका हजाना कौन देगा, हमारे लोग शहीद हुए, हमारे ऊपर मुकदमे लगे, अजय टेरी वाला मामला हुआ, लोग जेलों में हैं, तो ये सारे मामले हैं, सब मामलों पे भारत सरकार बैठ कर बातचीत कर रहे हैं। अगले जो और मामले होंगे उसका कमेटी बना गए, ये वहां पर तय हुआ था, जो 11 दौर की बातचीत होती थी वहां पर यह तय होता था। और आपको यह भी है कि जब वहां बातचीत हुई तो वहां 4 बड़े इशू थे, एक था 3 काले कानून, MSP, पुराली और बिजली अमेंडमेंट बिल, इन्होंने 2 को वापसी दिया, बिजली को और पुराली को वापसी दिया। तो जब प्रेस के लोग पूछते थे, कहते थे कि भाई 2 कानून वापसी ले लिए, 2 रह गए तो आधी मांग मान ली गई, इसका मतलब MSP हमारा था, है और रहेगा, MSP से ही किसान को लाभ मिलेगा। ये जो 3 काले कानून थे इसमें तो जनता का भी लाभ था, किसानों को तो MSP है, जो आज आधे में इनकी फसलों को लूटा जाता है उसका लाभ MSP से भी लगा।
सरकार के पास में देखो जब तक पार्लियामेंट चलेगा सरकार के पास में सोचने का समझने का सब टाइम सरकार के पास में है। 29 तारीख से और 23 तारीख तक चलेगा। हम फैसला पार्लियामेंट चलने पर लेंगे, फिर आगे हमें आंदोलन कैसे चलाना, आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। और 27 तारीख की ऐसे ही मोर्चे की मीटिंग, कल भी फैसला लिया जाएगा। 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च है, जो 30 ट्रैक्टर जाके इस बॉर्डर से भी का रास्ता खुला हुआ होगा, तो हम 30 ट्रैक्टर के साथ में 500 लोग जाएंगे 29 तारीख को। और 10 दिन तो आपको झेलना भाई, 10 दिन तो प्रेस मीडिया के लोग, सोशल मीडिया, बीजेपी के लोग सब कहेंगे जी घर वापसी, कानून वापसी, तो घर वापसी ये कहेंगे 10 दिन कि आपको जलील करेंगे पूरा। तो 10 दिन के लिए आप अपना तैयार रहना, इनसे क्वेश्चन करना कि भाई तेरे घर में 10 साल पुराना ट्रैक्टर हो तो उसको तोड़, नया ले क्यों चला रहा, तेरे पास में पंपिंग सेट है, इंजन है, क्योंकि इंजन तीन है, 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद कर दिए। तो ये बहुत से सवाल आएंगे, इनका मुकाबला आपको करना है। यहाँ पे बहुत लोग हैं, वे आपको अपनी बात बताएंगे। कल हम अमृतसर जा रहे हैं, उसके बाद में 28 तारीख को बॉम्बे में हम रहेंगे और 29 को आपके बीच में फिर यहीं पे रहेंगे, क्योंकि तबीयत भी खराब है हमारी, बड़ा खराब है। आपको योगिंदर जी है, मेगा पाठेकर जी है, सब लोग ये आपको बात बताएंगे, इनकी आप बात ध्यान से सुनना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।